एक्शन एक्ट हमारी बरसों से अनसुनी मांग है, जिसको सरकार लगातार बरसों से अनसुनी कर रही है। हमारे जो दूर दराज के इलाकों के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर तो आए दिन बरसों से हमले होते आ रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा का भी अभाव है, मगर राजधानी रांची के नामी गिरामी जो चिकित्सक हैं अब उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बुरी तरह प्रभावित हो गई है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल होगा आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने डॉक्टर हाजरा और डॉक्टर सौरभ के परिजनों को मदद देने की अपील की थी और इतनी संवेदनशील अपील भी ये सरकार जो इतनी असंवेदनशील है उसको भी उसने अनसुना कर दिया। तो सरकार को संवेदनशील मामलों को अनसुना करने की बीमारी हो गई है। स्थिति क्या है, क्यों अभी तक जो है हम लोगों ने ये स्थिति 13 तारीख को ही हम लोगों ने सरकार को सूचना दे दिया था कि भाई इस तरह की पोजीशन है और अगर आप नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। अभी तक आज के डेट तक जो इतनी विकट परिस्थिति है, लगातार हमारे डॉक्टर पीटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो पेटरवार हो, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे वो लोहरदगा हो, गढ़वा की स्थिति आपने देखा कि किस तरह से कार्यरत सिविल सर्जन को ऑफिस में 150 लोग घुस के मारपीट करते हैं, सीसीटीवी फुटेज को डैमेज करते हैं। रांची में देखें कि घर में घुस के किस तरह से एक वरिष्ठ चिकित्सक को किस तरह से घर में जो है उन पे हमला होता है, लगातार हो रहा है। हम लोग सरकार से हर चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग कोई स्ट्राइक या इस तरह का परेशान करना नहीं चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में दिक्कत कहाँ है। झारखंड पहला राज्य नहीं है, 23 राज्यों में लागू है। ये आप नाम बता दीजिए ना, ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए, मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए। अरे इससे तो मरीजों का की सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षित वातावरण में मरीजों का इलाज संभव हो, ये इसका मकसद है, इम्पोर्टेंस है। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये उनके लिए डिमांड है, क्योंकि जब तक सुरक्षित वातावरण नहीं रहेगा चिकित्सक से आप कैसे उम्मीद कर। आज तो चिकित्सक आक्रोशित भी है, भयभीत भी है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भविष्य में जो है ये पूरी चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जाएगी और यहाँ तक चिकित्सक जो है अब झारखंड से पलायन करने की भी बात सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हम डॉक्टर्स भयभीत वातावरण में काम कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ घटना दुर्घटना होती है, चाहे वो नेता के द्वारा हो, चाहे वो पदाधिकारी के द्वारा हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो, तो उससे त्रस्त आके इस कॉल को बुलाया गया है। आज हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जिसमें रिम्स के भी चिकित्सक सम्मिलित थे। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।